तो तुम्हारी तरफ से आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो विशाल जी इमेजिन करिए आप, ठीक है, एक खूबसूरत सी, एक खूबसूरत सी लड़की, ठीक है, नहीं हेडिंग नहीं डालना है, हेडिंग डालोगे, एक खूबसूरत सी लड़की बहुत सुंदर, ठीक है, गुलाब का फूल लेके तुम्हारे पास आती है और कहती है आई लव यू। बस हंसने वाली कौन सी बात कहती है, आप क्या कहोगे, बस जिससे पूछा जाए वही वही बोलेगा, बताइए विशाल क्या बोलेंगे आप, अच्छी लगेगी तो आप बोलेंगे, क्या बोलोगे, अच्छी लगेगी तो आप बोलेंगे ना, हाँ बोलेंगे, हाँ मैं क्या बोलोगे, हाँ बताओ यादव जी, बताइए, नहीं पता, चलिए ऑनलाइन पूछ लेते हैं, हाँ भगवान विष्णु जी, चलो आपके पास संभाल लो कमी नहीं है, बताइए कैसे और कैसे, तुम कहाँ रहते हो ये बताओ पहले, आपके पास लड़की के बारे में बोल रहे हो, हाँ आपके पास एक लड़की आती है खूबसूरत सी गुलाब का फूल लेके और आई लव यू कहती है, क्या कहोगे उससे तुम, डीजे मुकेश तुम तो शादी में बहुत डीजे बजाते हो, तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो तो क्या करोगे, ये क्या बोला आई लव यू टू कहेंगे, ठीक है क्या बोला आई लव यू टू कहेंगे, सही बात यही कहोगे, यही यही कहना ही है, नहीं सर आई लव यू टू बोलना चाहिए, आई लव यू टू बोलना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं आई लव यू टू कहोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है थ्री यू कहना है, क्या कहना है थ्री यू, यानी लड़की एक ही होगी आपकी परेशान ना हो, थ्री यू टूल से हम लोग आईफोन की फ्लैशिंग करते हैं, लिख लीजिए, हाँ यहाँ पे टू यू नहीं है ये थ्री यू टूल है, हाँ थ्री यू टूल, तीन थ्री यू, टू यू नहीं थ्री यू, तो जो एक टूल का नाम है थ्री यू टूल, उस टूल से हमें एप्पल मोबाइल की फ्लैशिंग करनी होती है, ठीक है, और भी एक टूल का नाम है वो टूल का भी नाम लिख लो आई ट्यून फ्लैश टूल, हाँ आई ट्यून फ्लैश टूल, और पहला जो हमारा टूल था वो थ्री यू टूल था, आई ट्यून, सारा मोबाइल एप्पल का होगा, जो पुराना है जो नया है जो लॉन्च हो रहा है जो भविष्य में आएगा, और एप्पल के आईपैड भी होंगे इससे, एप्पल की वॉच भी होगी इससे, ठीक है, उसमें आप आसानी से आप फ्लैशिंग कर सकते हो, ठीक है, ना तो हमें ड्राइवर की आवश्यकता है, बस हमें ये दो टूल डाउनलोड करने हैं, थ्री यू टूल, ठीक है, और आई ट्यून, हाँ आई ट्यून, तो ये आप लोग डाउनलोड करिए फटाफट डाउनलोड करिए, ठीक है, और इंस्टॉल करिए अपने अपने कंप्यूटर में, आगे का प्रोसेस हम बताते हैं, मेरे पास एक फोन भी है आईफोन का, ठीक है, अभी हम इसके आगे की प्रोसेस बताते हैं, पहले सब लोग आप लोग इंस्टॉल करिए इस टूल को डाउनलोड करके, करिए भाई अपने अपने कंप्यूटर में सब लोग, देखो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो थ्री यू टूल और ये आई ट्यून, ये दो टूल है, दो टूल से आप फ्लैशिंग कर सकते हो, और फ्लैश करने में आपको पता ही है पिन लॉक पासवर्ड लॉक फेस लॉक फिंगर लॉक सब कुछ रिमूव हो जाता है, हैंगिंग प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाती है, हैंग ऑन लॉक आईडी रिमूव नहीं होती है, हाँ एप्पल आईडी या आई क्लाउड रिमूव नहीं होता है, एप्पल आईडी या आई क्लाउड एक ही होता है वो रिमूव नहीं होता है फ्लैश करने पर, उसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर आता है वो, बट क्रेडिट सिस्टम होता है, या फिर आपके पास बिल अगर है तो बिल आ जाके सर्विस सेंटर ले जाके आप खुलवा सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसे नहीं खुलता, बाद बाकी आप यूट्यूब पे देखोगे तो हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको बाईपास करने के और करोड़ों व्यू मिलेंगे, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है, डाउनलोड कर लिए सब लोगों ने, करिए डाउनलोड, ना मिले तो बताओ फिर हम लिंक भेजे, हो गई सर, सर लिंक भेज दो, लिंक भेज दे, लिंक भेज दो, चलिए यार ठीक है भाई लिंक भेज देते हैं,
डाउनलोड थोड़ा करना अभी सीखो यार। जी सर। हो गए सर डाउनलोड। हो गए डाउनलोड, लिंक डाल देते ग्रुप में यार। बिल्कुल सिंपल था डाउनलोड करना यार। लो डाउनलोड पे गए सर, डाउनलोड हो गया। आई टूल डाउनलोड कर रहे हैं। अच्छा तो कर लो यार, बिल्कुल सिंपल तो है। लो यार लिंक भेज दे रहे हैं भाई ग्रुप में। बहुत आलसी हो गए लगता है लॉकडाउन की वजह से तुम लोग। क्यों भगवान जी तुम्हारे ऐसे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। कैसे भगवान हो तुम यार, तुम्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए। सर वो मोबाइल और डाटा केबल दे दीजिए। ये देखो तुम्हारे सामने 3U टूल खुल के आ गया है। ठीक है, मेरे पास फोन भी आ गया, डाटा केबल भी आ गई है। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखिए तब तक। एप्पल मोबाइल को फ्लैश करने के लिए मोबाइल को आईट्यून मोड में लाना होता है। किसमें लाना होता है? आईट्यून मोड में लाना होता है। एप्पल मोबाइल को फ्लैश करने के लिए मोबाइल को आईट्यून मोड में लाना होता है। iTune यानी कि मोबाइल, जैसे हम लोग सैमसंग पढ़े थे, सैमसंग के मोबाइल में क्या आता था? डाउनलोडिंग मोड आता था। ठीक है, और इसमें iTune मोड आएगा तब ये फोन की फ्लैशिंग होगी। हाँ iTune मोड पे है, बता रहे हैं भाई। ठीक, अब लिखिए हाउ टू ओपन iTune मोड। आपको iTunes मोड ओपन कैसे करना है? मोबाइल को स्विच ऑफ करना। कोई भी मोबाइल है आपके पास एप्पल का आता है तो पहले क्या करेंगे आप? मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे या पावर ऑफ करेंगे। ठीक है, तो पावर वाली बटन दबा के हम इसको ऑफ कर लेते हैं। ये फोन स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, मोबाइल को पावर ऑफ करना है। अब क्या करना है सुनो, पहले ये बीच वाली जो बटन है, ये होम की वाली बटन देखो पहले इधर, ये बीच वाली बटन है, इसको दबा के रखना है। ठीक है, इसको दबा के रखना है और डाटा केबल लगाना है और 10 सेकंड तक दबाना है इसको। फोन के अंदर iTunes मोड आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। ये हम डाटा केबल पहले कंप्यूटर पे लगा देते हैं, लैपटॉप पे लग गई। अब क्या करना है, मोबाइल स्विच ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, बीच वाली बटन दबाएंगे, होम वाली, और कोई बटन नहीं दबानी, ना पावर वाली, ना वॉल्यूम प्लस, ना वॉल्यूम डाउन। क्लियर गजया शंकर, कर क्या रहे हो तुम? प्रोसेस देखो। ठीक है, नहीं होगा डाउनलोड अब दोबारा करवा देंगे। बीस वाली बटन दबानी है, दबा के डाटा केबल इंसर्ट करनी है, लगा देनी है, और बटन को छोड़ना नहीं, दबाए रखना है। आ गया फोन क्या है जो है, iTunes मोड आ गया। iTunes लिखा है, सब लोग देख लो। यार कौन है माइक खोल के बैठा है? फोन आ गया आपका iTunes मोड पे। ठीक है, सब लोग देख रहे हो iTunes मोड पे आ गया। अब iTunes मोड पे जैसे ही आएगा फोन, तैसे ही क्या होगा, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे खुल के आएंगे तुम्हारे दोनों टूल। मेरे में सवाल दोनों टूल खुल के आ गए। तो पहले हम एक टूल के बारे में बता देते हैं, ये 3U टूल है। तो इस पे क्या आ गया, आई डिवाइस कनेक्टेड इन रिकवरी मोड। ये फोन कनेक्टेड है और इसका मॉडल नंबर क्या है, कोई बताएगा मुझे? साफ साफ लिखा है 5S, ऑलरेडी इसने सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया है। ठीक है, और बिना कैमरा के मेरे ऑनलाइन क्लास में कोई अलाउ नहीं है। एक बार फिर से निकालते हैं। निकाल दिया, देखो डिस्कनेक्ट हो गया।
निकाला मैंने नई डाटा केबल से, ये क्या हो गया, जस्ट कनेक्ट हो गया। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, लिख क्या रहा, प्लीज कनेक्ट आई डिवाइस। ठीक है, चलिए कनेक्ट कर देते हैं। आ गया, सिंपल कनेक्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा स्टेप है, गो फ्लैश, क्या करना है, गो फ्लैश। चलिए फ्लैश पे आते हैं, तो देखो इसने ऑटोमेटिक फाइल ले ली, 12.5.2 वर्जन की फाइल है, ऑटोमेटिक इसने ले ली है। और क्या कह रहा है ये, डाउनलोड करने के लिए। तो ये देखो डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, और ये फाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होने लगी। कुछ किया हमने यहीं पे, बस क्लिक है तो करना है, समझ रहे हो, पहले ना फाइल ढूंढनी है ना कोई वर्जन ढूंढना है, ऑटोमेटिक ये मोबाइल जो है लेटेस्ट वर्जन ही सिलेक्ट करेगा, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी पूरी। तो देखो नीचे एक बटन दिया गया है, दिख रहा अगर तुम्हें, वो तो हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या दिया गया है, फ्लैश पे क्लिक करना है, बस इस फोन को ऐसे रख देना है, कुछ नहीं करना, सारा काम दोबारा टूल करेगा, बस इतना सिंपल है। कठिन है तो लिख लो प्रोसेस कि किस तरीके से आप जो है मोबाइल में जो है फ्लैशिंग करोगे। ओपन 3U टूल, ओपन 3U टूल, ओपन 3U टूल। ठीक, इसके बाद कनेक्ट फोन आईट्यून मोड, कनेक्ट मोबाइल आईट्यून मोड। ठीक है, कनेक्ट फोन आईट्यून मोड, क्लिक गो फ्लैश, क्लिक ऑन गो फ्लैश। देखो यहां पे दिया है गो फ्लैश, गो फ्लैश पे क्लिक कर दिया। इसके बाद डाउनलोड फ्लैश फाइल, क्लिक डाउनलोड। क्या करेंगे हम लोग, फाइल के अंदर जो डाउनलोड लिखा है वहां पे डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपकी डी ड्राइव या ई ड्राइव में फाइल कहीं पड़ी है, सेव है, तो इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ लिखा सिलेक्ट फर्मवेयर, इंपोर्ट कर लेंगे, डाउनलोड करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे, क्लिक डाउनलोड। ठीक, और नीचे लिखो जब फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाए तो नीचे दिए गए बटन फ्लैश पे क्लिक कर देना है, बस 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, आपका फोन फ्लैश हो जाएगा। जब फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाए, हाँ, तो फ्लैश वाली बटन दबा के या फ्लैश वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, आपका फोन फ्लैश हो जाएगा। होम की इसमें, होम की नहीं आती उसमें, वॉल्यूम माइनस वाली बटन दबा के जो डाटा केबल लगानी है, किसी में प्लस में दबा के बटन लगानी है, या फिर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करो, गूगल पे सर्च कर लो हाउ टू ओपन मॉडल नंबर और आईट्यून मोड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये नहीं, डाउनलोडिंग होगी तभी भी होगी, आपने कमांड दे दिया है। अगर आपके पास डाउनलोड करी फाइल रखी है तो आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट लोकल फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे, फाइल सेलेक्ट कर फ्लैश कर देंगे, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल सा टूल है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, कुछ भी करने नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसकी फाइल डाउनलोड होती है, तब तक हम दूसरे वाले, हाँ बताइए, कोई भी मॉडल हो, और अगर आप देखना है फ्लैश एंड जेबी पे आके फर्मवेयर पे आना है, इधर देखना चाहते हो देख लो भाई, फर्मवेयर पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे सभी मॉडल की फाइलें दी गई है, क्लिक करो यहाँ पे कौन सा मॉडल आपको फ्लैश करना है, जितने भी मॉडल आज तक आए हैं सभी मॉडल का यहाँ सिस्टम दिया गया है, चलिए 8+ सिलेक्ट कर लेते हैं पहले ही से। अब यहाँ पे देखो सबसे लेटेस्ट वाली फाइल कौन है,
ओल्ड फाइलें देखो नीचे दी गई है और लेटेस्ट वाली फाइल ये देगी डाउनलोड यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे दिया है 14.4.2 और यहाँ पे 14.5.5 है और यहाँ पे दिया गया बीटा। बीटा का मतलब क्या होता है, है? नहीं आई का नहीं, आई नहीं डाउनलोड के लिए क्यों दी गई यहाँ पे फाइल। बीटा का मतलब होता है ये फाइल अभी टेस्टिंग में चल रही है। कहां पे चल रही है? टेस्टिंग में चल रही है, ठीक है। अभी ये 100% अप्रूवल नहीं हुई है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में डाल के नए वर्जन नए फीचर के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हो तो आप डाउनलोड करके फोन गेम को अपडेट कर सकते हो। बीटा का मतलब ये फाइल की टेस्टिंग चल रही है। जब ये फुल टेस्टेड हो जाएगा पब्लिक के रिव्यू अच्छे आने लगेंगे कि हाँ भाई ये फीडबैक अच्छा आएगा कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो ये फाइल लॉन्च कर दी जाएगी, नहीं तो इसी में कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया जाएगा। यानी कि अभी इसे कुछ किसी फोन ने ये फाइल डाउनलोड की कुछ कमी आई उसने अपना रिव्यू लिखा तो जो उसके साइड जो फर्मवेयर बना रहे हैं वो कमियों को दूर करेंगे। आई बात समझ में? बीटा का मतलब ये आप चाहे बीटा से कर लो नहीं तो फिर आप नीचे वाली ये कर लो तो लेटेस्ट यही है उससे लेटेस्ट कम लेटेस्ट ये उससे कम ये हम कौन करेंगे ये वाली लेटेस्ट डाउनलोड कर लो। ऐसे आप किसी भी मॉडल की फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्लिक करो जो भी आपको चाहिए हो। 6 की देख लो, 6 की लास्ट ये वाली है फ्लैश। कहने का मतलब यहाँ से आप सारी फाइलें डाउनलोड कर सकते हो, भटकना नहीं है। कहाँ पे जाएंगे आपको? फर्मवेयर पे आना है बस, फाइल आईडी बस। चलिए इस पे फाइल डाउनलोड हो रही है, आप इसका फ्लैश करके हम आपको दिखाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, आईट्यून वाले जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है इससे आपको दिखाते हैं किस तरीके से फ्लैशिंग करनी है। ये भी सिंपल है, चलिए ये जब आप जो है सॉफ्टवेयर जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे आप इस फोन को इसमें कनेक्ट कराओगे तो देखिए क्या होता है स्क्रीन पे हो रहा है। ये आ गया, क्या आ गया? आईट्यून मोड है, देखो पहले ये आईट्यून आया है एक बार में, ठीक है। आईट्यून मोड आया, अब चाहे आप रिस्टोर पे क्लिक करो या अपडेट पे, देखना पहले क्लिक रिस्टोर पे क्लिक कर दिया, देखना अभी सब कुछ बताएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम होने लगेगा, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ये आ गया रिस्टोर एंड अपडेट, ठीक है। या नेक्स्ट, आई एग्री, बस चलने लगा। आप कुछ नहीं करना, देखो ये गोल गोल घूमने लगा ऊपर की तरफ, फाइल डाउनलोड हो रही है और फाइल यहां से भी डाउनलोड हो रही है, ऑटोमेटिक ले लिया फाइल डाउनलोड होगी और ऑटोमेटिक पूरी की पूरी फ्लैशिंग होगी। कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। कठिन है क्या बताओ? ठीक है, ये फोन है अभी हम यहाँ पे हमने करके दिखाया है, इसके फाइल डाउनलोड होते हैं। आप सब लोगों के पास लैपटॉप रखे हैं, सब आप लोग कर लीजिए और ऑनलाइन वाले बता दे कौन सी तकलीफ है इसमें। ऑटोमेटिक फाइल सिलेक्ट होगा उसमें भी, तो वही है एफ आर पी, इसमें आई क्लाउड बोलते हैं उसको। हाँ बताइए ऑनलाइन में। अरे आपने सर इसमें होम की नहीं दबाना क्या भैया? वही डाउनलोड मोड में लाना पड़ेगा इसमें भी। सर इसको निकालिए, डाउनलोड मोड में ही लाना पड़ेगा। अरे अब भी लोग इसको को मतलब हेलो जी बताइए। सर ये पूछा था आपने रिस्टोर किया उसमें दो बन के आ रहे थे अपडेट और रिस्टोर, दोनों का मतलब अलग अलग क्या है सर? मतलब भैया दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है, या अपडेट कर लो या रिस्टोर कर लो। अच्छा मतलब एक ही है? हाँ मतलब एक ही। ओके सर वही थोड़ा डाउट था सर। कुछ नहीं दोनों। हाँ बोलिए सर। वो जो ओपन में जो डाउनलोड हो रहा है वहाँ तो मेरा डाउनलोड होता है सर, 30 मिनट या कुछ बैच के बाद सर वो डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है सर? इंटरनेट की स्पीड नहीं सही होगी इसलिए डिस्कनेक्ट हो जाता है।
सर वो डाउनलोड करना है बस, सिर्फ उसको डाउनलोड करने के बाद बस इंस्टॉल करने से हो जाएगा सर, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर आप चाहो पहले फाइल डाउनलोड करना चाहो तो पहले भी कर सकते हो, इस टूल से नहीं होगी लेकिन 3U टूल से आप कर सकते हो। 3U टूल में पहले ही ऑप्शन दिया गया है, पहले डाउनलोड करना चाहेंगे। हाँ तो देखो ये आया, यहाँ पे आप जाओगे फ्लैश एंड जेबी, नीचे फर्मवेयर दिया है और यहाँ पे मॉडल नंबर दिए गए हैं, जो भी मॉडल नंबर आपके पास फोन आए उसको सिलेक्ट करो। आईफोन 5 है सर, कोई भी फाइल डाउनलोड करना ये हरे वाले बटन पे क्लिक कर दो, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, करके आप देख सकते हो अभी तुरंत, जब ना हो तो हम बैठे हैं। वर्जन है तो सामने देखो लिखा है यार, ये वर्जन देखो नहीं दिए गए, ये यहाँ जैसे अपन बेटा वाला डाल दे तू ऊपर सा तो उससे कोई प्रॉब्लम आएगी? कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी, मतलब उसकी टेस्टिंग चल रही है बस, कुछ नहीं है। टेस्टिंग कर कौन, अभी लोग तो करते हैं टेस्टिंग, और कौन करेगा यार? हाँ हाँ सही कह रहे हैं, हम लोग यूजर हैं, आईफोन यूजर जो लोग चलाते हैं तो वही तो टेस्टिंग करेंगे, और कौन टेस्टिंग करेगा। सर ये पूछ रहा था मैं कि जैसे आईफोन जो फ्लैशिंग हो रहा है तो सर ऑनलाइन भी होता है आईफोन? ऑनलाइन का मतलब ये है कि इंटरनेट अगर आपके कनेक्ट है तो ऑनलाइन हो जाएगा, तुम्हारा क्या दिक्कत है? सर बहुत खर्चा ले लेता है सर, अपडेट करने का 2500-3000 ले लेता है। अब भैया वो 3000 ले लेते तो क्या करें, फ्री है यार तुम्हारे लिए, ठीक है तुम फ्री करना चाहे तो ले जाए, अब तो खर्चा भैया फ्री है यार, ये हम क्या रहा हमको पैसे दे देना यार, पैसे सर जी पास कमी चल रही इस समय। भाई मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप इससे आईपैड वगैरह भी कर सकते हो, और जो तुम्हारा वॉच भी आती है वॉच भी कर सकते हो, आईफोन की वॉच आती ना छोटी, आईट्यून्स से। सर ये डाउनलोड होके कहां पर जाएगी? अभी तो इन्हें डाउनलोड फाइल लगाई है। अभी बता रहे कहां पर जाएगी, डाउनलोड होने तक कम तो बता दिए अभी आपको। नहीं सर अभी सी ड्राइव में जाती है, सी ड्राइव मैं एकदम कम ही बता दिया आपको, ये ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, ये आ गई जाके यहाँ पर फाइल डाउनलोड होती है, दो तीन रखे दी यू टूल फर्मवेयर यहाँ पे आएगी जाके, हाँ नया देना, हाँ मिल जाएगा। सर इसमें से प्रॉब्लम आती होगी सर? क्या हुआ सर ये पूछ रहा था, सिर्फ इसमें फ्लैशिंग की प्रॉब्लम आती होगी सर? हाँ ये बिना कैमरा के माइक क्लास है, लाभ नहीं है, बिना रिकॉर्ड को निकाल देना तो पहले हम बिना कैमरा वालों। सर इनके लॉग वगैरह हो जाते हैं सर? ये सब हट जाता है, बस आईक्लाउड नहीं हटता है, बाद बाकी सब कुछ हो जाता है। अभी हम करके दिखाएंगे, फाइल डाउनलोड हो जाने दो, ठीक है सर, लॉग वॉग लगा के सब करके दिखाऊंगा। अरे लॉग यार, लॉग से क्या मतलब, जब कह रहे आईफोन डिसेबल भी अगर कहीं लिखा आ रहा है, लिख लो एक पॉइंट, अगर आईफोन डिसेबल कहीं लिखा आ रहा है तब भी फ्लैश कर दोगे सही हो जाएगा। अब फ्लैशिंग के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हो फोन के अंदर ना, IMEI चेंज कर सकते हो, कुछ भी नहीं, बस एक ही ऑप्शन है फ्लैशिंग। आईफोन डिसेबल कभी कभी लग के आता है, लाख कई बार जब लाख अब दबा दोगे उल्टे सीधे तो आईफोन डिसेबल हो जाएगा। सर इसमें ऑप्शन होती है भी कि डाटा ना जाए फ्लैशिंग के बाद? ना ऑप्शन ऑप्शन इसमें 3U टूल नहीं आता, इसमें डाटा सेव वगैरह नहीं कर सकते सर, जैसे आईफोन का डाटा सेव कर सकते सर? तो वो आप अपना कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, मैं जो है ड्राइव बना लो आईक्लाउड वाली उस पे कर सकते हो, ठीक है सर। फ्लैशिंग के बाद बता देना, देखो आईफोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम बहुत कम आती है, ठीक है, ये जो डिसेबल वगैरह हो जाते हैं लाख लग जाते हैं तभी जो है फ्लैशिंग वगैरह करते हैं, अपडेट करना होता है तब, कोई भी फोन है वापस नहीं करना है एप्पल का, ठीक है।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ? ਡਾਟਾ ਕੈਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਲੋਗ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਉਸ ਪੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ, एंड्रॉइड फोन लगाते हैं फिर उसको उस पर करते थे यूएसबी पे, तो अपना जो भी डेटा होता है जी ड्राइव में सी ड्राइव में कॉपी कर लेते हैं, ऐसे आईफोन का भी होता है। आईफोन सीधा होता शो होएगा माई कंप्यूटर या आईफोन का और एंड्रॉइड का डेटा सेव करने का तरीका सेम है। ओके सब कुछ हट जाता है, बस आई क्लाउड नहीं हटता है। फोन कबाड़ है और का नहीं, पैसे दो 50,000 का फोन है तो 40,000 रुपये खुलवाई दो। हाँ जल्दी पल्दी कोई खोलता नहीं, एप्पल की सिक्योरिटी है इतनी हाई। आई क्लाउड से ऑनलाइन अलग से आती है, ब्रेक करनी पड़ती अलग से आती है उससे। हाँ क्या कह रहे हो? सही पूछा था, iCloud स्टोर से ही हटेगा सर, एप्पल स्टोर से? एप्पल स्टोर से हटोगे या फिर इसके कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि पेड होते हैं, जैसे कि आई डिवाइस करके एक सॉफ्टवेयर आता है लेकिन वो पैसे लेता है। देखते हैं पड़ा होगा सॉफ्टवेयर मेरे पास, एक काम करते हैं एक पीडीएफ अभी हम आपको एक भेजे दे रहे हैं ग्रुप में, फ्लैशिंग से रिलेटेड है। सर गूगल पे सर्च करके दिखा ना कौन सा सॉफ्टवेयर। ये बेसिक है सभी फोन को फ्लैश करने के लिए, एमआई वीवो जो इसके हैं, मीडियाटेक क्वालकॉम। How to flash iPhone with iTunes tools है, ठीक है? BlackBerry भी इसी के अंदर है, कई सारी चीजें इसके अंदर दी है, MediaTek वगैरह की PDF अभी हम आपके ग्रुप में डाले दे रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाया गया उस तरीके से सिस्टम नहीं है। अप्रैल वाले में भी हम डाले दे रहे हैं और लाइफ टाइम वाले में भी डाले। चेक कर लो आप लोग कि ओपन हो रही कि नहीं हो रही है। हो गई सर ओपन? हो गई ओपन लाइफ टाइम वाले उसमें भी नहीं हो जाओ। तो ये फाइल बस डाउनलोड होने वाली है। किस वाले में? चलिए अभी हम क्या नाम करके आपको फ्लैश करके दिखाते हैं ये फोन, ठीक है? बस फाइल डाउनलोड हो जाए। चलो हो गई डाउनलोड फाइल, देखो ये पूरा सर्कल हो गया कंप्लीट। लाओ फोन लाओ उधर, फिर से देख लो एक बार प्रोसेस पूरा यादव जी, यही तुम्हारा थ्री यू टूल है। iTunes में फोन है हमारा, डाटा केबल से कनेक्ट कर रहा है इसको।
आ गया ये लिख के यहाँ पे ऑटोमेटिक। कहाँ क्लिक करेंगे? यहाँ करेंगे एग्जिट रिकवरी पे। बताओ सर, गो प्लस पे, गो प्लस पे। सब लोग बताओ, देखो आप जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो 100% प्रैक्टिकल है कि नहीं है, ये बस ये आपको देखना है। विशाल सरन जी बताइए, गो प्लस पे कर दें? चलिए कर दिया। अब अभी फाइल क्या हो रही है? वेरीफाई सक्सेस, अभी डाउनलोड हो गई। फाइल सिलेक्ट है, देखो यहाँ पे टिक लगा है। अब कहाँ क्लिक करेंगे? बस फ्लैश पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्लैश, फ्लैशिंग चालू हो गई। ठीक है, 5% 6% चलने दो। ठीक है, ये 100% हो जाएगा तो सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा कि भैया मोबाइल आपका जो है फ्लैश हो गया है। तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आईट्यून मोड पे ऐसा बना रहेगा या हैंग लोगो हो जाएगा। बस फिर से करेंगे, फिर से करेंगे भाई। उधर भी गर्मी लगती है, वो वाला पंखा उसकी व्यवस्था करते हैं भाई। क्या कह रहे हैं सर? अब एसी लगेगी यार, अब एसी का लॉकडाउन लग रहा है क्या? अच्छा सर क्लास ले रहे हैं क्या? है कॉल लेके बात कर लीजिए, स्पीकर खोल के बात होगी। अब देखो ये फोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हुआ, ठीक है, दिख रहा है ना? हैं? ये बिना कैमरा के तो भाई इसमें अलाउ नहीं है, बिल्कुल निकल लो बहुत जल्दी पतली गली पे ऑटो। हाँ वो कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक चालू होगा, रीस्टार्ट होगा, सब कुछ होगा। देखो इसमें एक लाइनिंग चलेगी ऐसे करके, दिख रही है? टाइम देख लो कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। चल तो रहा 25 हो गया, 26 हो गया है, 10 से 15 मिनट। अब मुझे ये बता दो, अब मुझे ये बता, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है भाई, बता चुके हैं कुछ नहीं, टूल के अंदर ही ड्राइवर आते हैं। कर लोगे ना? करना भी फोन देंगे अब ना, करके देखना दे दे। बहुत खुश हो तुम। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। जिम्मे तुसी कहने भी आई क्लाउड वाले पेड़ ने, मतलब किन्ने के पेड़, मतलब किन्ने के पैसे ले लेते हैं? बता रहे हैं भी।